क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। आज राजधानी लखनऊ में लेवाना होटल में भीषण आग लगी है, जिससे आसपास की जगहों में अफरा तफरी मची हुई है। जानकारी के मुताबिक होटल के अंदर कई लोग फंसे हुए थे, जिनको निकालने के लिए प्रयास जारी है। उनको खिड़की से कांच तोड़कर बाहर निकाला जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम, रेस्क्यू टीम पूरी सतर्कता से, पूरी मुस्तैदी के साथ उनको बचाव कार्य कर रही है। होटल लेवाना को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने दिया था नोटिस। प्राधिकरण ने नहीं की अभी तक कोई भी कार्रवाई। नेताओं की पैरवी से मौज कर रहा था होटल लेवाना। इससे पहले भी लखनऊ के होटल में हो चुका था अग्निकांड। आपको बता दें, 2018 में नाका में अग्निकांड हुआ था, जिसमें 18 इंजीनियर नपे थे। 19 जुलाई 2018 में नाका में एक होटल में लगी थी आग, 5 लोगों की जलकर हुई थी मौत। जांच में 16 एलडीए इंजीनियर पाए गए थे दोषी। होटल लेवाना को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने दिया था नोटिस। प्राधिकरण ने अभी तक नहीं की उस पर कोई कार्रवाई। इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं शादाब। शादाब, इस समय क्या जानकारी आ रही है आपके पास लेवाना स्वीट से? क्या बचाव कार्य वहां पे आपको देखने को मिल रहा है? लगातार फायर ब्रिगेड के रेस्क्यू चल रहा है, और साथ ही वो शीशा तोड़ के अंदर जाके जितने भी लोग थे उनको बाहर निकाला, और जिसमें कई लोग सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करा गए। वहीं 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अभी फिलहाल जो 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, उसके अलावा जो लोग हैं उनको सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वहीं मौके पे मंडला आयुक्त और लखनऊ पुलिस कमिश्नर, एलडीए के बीसी इनमें त्रिपाठी भी मौजूद है। उनका साफ तौर पर कहना है, इस होटल को नोटिस भी दिया गया था, उसके बावजूद भी कोई जू नहीं रहेगी, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। हम आपको ये भी बता दें कि एलडीए जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है, इसके ये बड़ी लापरवाही रही है, क्योंकि इसमें ना एग्जिट पोल था, ना ही एग्जिट गेट था, जिससे जो है कोई भी हादसा हो तो निकल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उसके बावजूद भी एलडीए ने इनको एनओसी दे दी, जिससे ये होटल बनकर तैयार हो गया और लगातार चल रहा था। हम आपको ये भी बता दें कि 2018 में नाका क्षेत्र में एक होटल था जहाँ पर आग लगी थी, जिसमें उसमें भी 5 लोगों की जलकर मौत हुई थी, और उसके अलावा 18 से 19 इंजीनियरों के ऊपर जांच बढ़ाई गई थी, लेकिन वो भी धीरे धीरे ठंडे पत्ते में रह के नजर आई, ना कि कोई कार्रवाई हुई, बस खाली बस जांच के आदेश हुए थे। इसी चलते यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बड़े से बड़े अधिकारी मौजूद है, और साथ ही डिप्टी सीएम भी मौके पर पहुंचे, घटना स्थल का जायजा लिया है उन्होंने। उन्होंने भी साफ तौर पर यही बात कही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी इसमें गलत मिलता है उस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए, मुख्यमंत्री ने सिविल हॉस्पिटल जाके मरीजों की हालचाल लिया, एक एक मरीज से उन्होंने बात की है, और उसके बाद वहां से निकलने के बाद ही उन्होंने एक आदेश कर दिया है कि इस पर जांच कमेटी बनाई जाएगी, और इस पर जो भी गलत होगा उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम आपको ये भी बताते हैं कि जो यहाँ पे मंडला आयुक्त है, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये अभी फिलहाल जो होटल में कोई भी नहीं फंसा है, अभी बस एक कमरा बाकी है जिसको उन लोग खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अलावा उसके अंदर क्या है अभी ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन फिलहाल जो अंदर से खबरें आ रही हैं, अभी फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं फंसा है, बस ऑपरेशन चल रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या निकल के आता है। फिलहाल ये लखनऊ विकास प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जी शादाब, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नोटिस भी जारी किया था लेवाना स्वीट्स को, उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या इनको नेताओं का संरक्षण प्राप्त है? क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है, एलडीए पहले भी इन चीजों को बता चुका था, मानक भी शायद पूरे नहीं थे, जिस मानक ना पूरे होने की वजह से ये आग इतनी ज्यादा फैली। देखिए मनीष, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो अभी निकल के सामने आ रहा है, वो एलडीए का साफ तौर पर कहना है कि हमने नोटिस को इन लोगों को जारी की थी, लेकिन जिस हिसाब से नोटिस जारी हुई थी तो एलडीए को इस पे कार्रवाई भी करनी थी, लेकिन वो ठंडे बस्ते में नजर आया जो इनकी नोटिस थी। फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से ये भी पता चल रहा है कि बड़े नेताओं का इस होटल मालिक पे सर पे हाथ था, जिसके चलते उस पे कार्रवाई नहीं हो रही थी, और आज ये
उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें दो लोगों की मौत हुई है। फिलहाल ये जो पुलिस है और एलडीए लखनऊ विकास प्राधिकरण है वो लगातार अब इसका नक्शा और सब जांच में जुट गया है। अब जो भी आगे निकल के सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी। जी मनीष, शादाब, अमूमन ये देखने को क्यों मिलता है, एडवाइजरी तभी जारी की जाती है जब कोई दुर्घटना हो जाती है। अब दुर्घटना हो गई तो जानकारी निकल कर आ रही, दो तीन दिन पहले नोटिस दिया गया था। क्या ये पहले जानकारी नहीं आता, दो तीन दिन पहले नोटिस दिया गया था? अब एडवाइजरी जारी करके जितने भी होटल हैं, जितने भी अस्पताल हैं, उनकी जाँच करी जाएगी कि उनके सेफ्टी मेजरमेंट्स उनके पूरे फुलफिल हैं कि नहीं है। ये कहाँ तक आपको सही लगता है? नहीं बिल्कुल, देखिए मनीष आपको बता दूं मैं कि ये लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण का ये एक दस्तूर बन गया है कि ठंडे पत्ते में हर चीज डालते हुए नजर आते हैं। जब भी कोई बड़ी घटना लखनऊ में होती है उसके बाद ही, चाहे वो लखनऊ विकास प्राधिकरण हो या कोई भी विभाग हो, उस बाद ही में जागता है। लेकिन जब हादसा हो जाता है या जो तो बड़ा हादसा होने के बाद कई मौतें हो जाती है, उसके बाद ही ये लखनऊ विकास प्राधिकरण हो या कोई भी विभाग हो वो जागता है। फिलहाल अभी जो लखनऊ के कमिश्नर हैं, मंडला आयुक्त, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जांच अब मेरे हाथ में है और इससे जो भी कार्रवाई होगी वो हम देख रहे हैं, आगे की कार्रवाई हम करेंगे। फिलहाल अभी जो रिव्यू चल रहा है वो खत्म होने के बाद ही आगे की कार्रवाई बताई जा सकती है। फिलहाल अभी जो कार्रवाई है, अभी इसमें खाली बस एलडीए साफ तौर पर ये कह रहा है कि मैंने नोटिस जारी की थी। अगर इन्होंने सवाल पड़ा ये है कि अगर नोटिस जारी की थी तो उसके बाद इन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, आगे की कार्रवाई के लिए इनके पास किसका फोन आया या किसकी पैरवी आई, ये भी एक बड़ा सवाल है मनीष। शादाब, अभी मैं आपसे बस इतना जानना चाहूँ कि अभी इस समय का करंट अपडेट क्या है कि वहाँ पे आग पूरी तरह से बुझ चुकी है और जैसे बताया जा रहा था 45 से 40 लोग वहाँ फंसे होने की संभावना जताई जा रही थी, जिसमें से काफी लोग निकाल लिए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ज्यादा 6-7 लोग या 10 लोग वहाँ पे इस समय शायद ही रेस्क्यू पे होंगे। तो अभी करंट अपडेट आपके पास क्या आ रहा है इसको लेकर? देखिए मनीष, मैं बता दूं कि करंट जो यहाँ पे मामला है वो ये है कि यहाँ से सबको निकाल लिया गया है, बस थर्ड फ्लोर पे एक कमरा बंद है जो कि मंडला आयुक्त ने बताया है, पर उसको खोलने के बाद ही ये पूरा साफ हो पाएगा कि अंदर कोई फंसा है कि नहीं बचा। फिलहाल अभी जो अंदर से खबरें ये आ रही है कि अंदर अब कोई नहीं फंसा है, बस आग बुझ चुकी है, अंदर धुआं इतना है कि कुछ आगे दिख नहीं रहा है। फिलहाल अंदर कोई नहीं फंसा है और जो आग फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो लगातार मौजूद है यहाँ पे और आती ही जा रही हैं। तकरीबन 20 से 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो भी मौजूद हैं और उसके अलावा जो पुलिस प्रशासन है वो भी मौजूद है और कई विभाग यहाँ पे मौजूद हैं। उसके और रही आग की बात, वो भी अब बुझ चुकी है। फिलहाल अभी भी रफ्यू चल रहा है, अंदर कोई ऐसा तो नहीं कि फंसा हो जिसको लेकर कोई बड़ा हादसा और भी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है फिलहाल आग बुझ चुकी है, अब बस धुआं ज्यादा है जिसको निकालने की कोशिश की जा रही है। जी मनीष जी, शादाब, खबर पे बराबर आप नजर बनाए रखिएगा, फिर आपसे हम जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। लवाना स्वीट्स में आज भीषण आग लगी जिसमें 35 से 40 लोगों के फंसे होने की संभावना जताई जा रही थी। इसमें अग्नि फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू करके काफी लोगों को बचा लिया है और अभी भी जैसा कि जानकारी के अनुसार अभी करंट जानकारी जो आ रही है उसमें आग बुझा ली गई है और धुआं काफी हद तक फैला हुआ है और भी तीसरे नंबर का कोई कमरा है जिसमें अभी भी रेस्क्यू जारी है, फंसे होने किसी की संभावना अभी भी लग रही है। और इनको नोटिस दिया जा चुका था, इस नोटिस के देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई एलडीए ने नहीं करी थी। कहीं ना कहीं साठगांठ का अमूमन ये चीज दोष लगता रहा है एलडीए पर। नेताओं की पैरवी से मौज कर रहा था होटल लेवाना, ये एक बड़ी खबर है कि होटल लेवाना पैरवी के कारण मौज चल रही थी वहां पर, जो उसके ओनर हैं उन ओनरों पर भी कार्रवाई कई बार कोशिश की गई, जिसको लेकर कई बार नोटिस भी जारी हुई लेकिन उनके रसूख के आगे नहीं चला। राहुल और रोहित पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, अब देखते हैं कहां तक इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं, मंडल आयुक्त व पुलिस कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए हैं। अब जांच में क्या निकल कर आता है, कौन सी फॉल्ट निकल आती है, कि खिड़कियों का कांच तोड़कर रेस्क्यू किया गया। 30 कमरों का पूरा यह होटल है जिसमें भीषण
आग लगी थी इस होटल में, बचाव कार्य बहुत तेजी से किया गया, दो लोगों की मौत हुई है, 10 लोगों के ऊपर के लोग घायल हैं जिनका सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीएम योगी खुद उनसे मिलने गए, डिप्टी सीएम बिजेश पाठक खुद उनसे मिलने गए, उनकी पूरे हालातों की जानकारी ली। डिप्टी सीएम खुद लेवाना स्वीट्स के करंट लोकेशन पर जाके मुआयना किया। आपको बता दें कि 2018 में भी नाका में एक अग्निकांड हुआ था जिसमें 18 से 19 इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, जिसमें अभी भी दो लोग बचे हुए हैं। कहीं ना कहीं एलडीए की लापरवाही इसमें देखने को मिलती है, मानक पूरे ना होने पर भी उनको पास कर दिया जाता है और नतीजा ये देखने को मिलता है। सेफ्टी को लेकर जो भी रूल्स बनाए गए हैं उन रूल्स को भी फॉलो नहीं किया जाता है, जिस कारण इतना बड़ा हादसा लेवाना स्वीट्स में आज आपको देखने को मिल रहा है। पूरा लेवाना स्वीट्स 30 कमरों का था जिसमें भीषण आग लगी। आग समता बुझ चुकी है लेकिन धुआं अभी भी काफी ज्यादा है, कितना नुकसान हुआ है यह भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसको लेकर दो लोगों की मौत का सामने आया है कि दो लोगों की मौत हो चुकी है, 10 से ज़्यादा लोग घायल हैं जिनका इलाज सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सिविल हॉस्पिटल पहुंच के मरीजों की हालचाल पूछा। इस समय हमारे साथ लेवाना स्वीट से सीधे हमारे संवाददाता सागर थापा जुड़ रहे हैं। सागर, इस समय क्या हालात हैं वहां पे, क्या आपको देखने को मिला है, क्या आग पूरी तरह से बुझ चुकी है, वहां की क्या सिचुएशन इस समय, करंट सिचुएशन क्या है, मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताइए। सागर, आपकी आवाज़ बहुत साफ हमारे पास नहीं पहुंच रही है, हम आपसे फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए नज़र बनाए रखिए, धन्यवाद। आप ये विजुअल देख रहे हैं लेवाना स्वीट्स के, जहां आज भीषण आग लग गई थी जिसमें इस पूरे होटल को 30 कमरों का बताया जा रहा है। इन 30 कमरों में से कम से कम 35 से 40 लोगों के होने की संभावना थी, जिसमें से काफ़ी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, बचा लिया गया है। और डिस्चार्ज कर दिया गया है, 7 मरीज अभी हॉस्पिटल में मौजूद हैं।
और सात लोगों में किसी को बर्न इंजरीज नहीं है, सिर्फ धुएं की वजह से प्रॉब्लम है खतरे से बाहर है। वेंटिलेशन की स्थिति यहाँ पर प्रथम दृष्टया पूर्व प्रतीत हो रही है। इसमें जो भी टेक्निकल दोष होंगे उनकी पूरी समीक्षा करके जो भी दोषी है उनके विरुद्ध कार्रवाई। आपको बता दें कि लेवाना होटल में आज भीषण आग लगी, जिसमें बचाव कार्य जारी है। आग बुझ चुकी है, अभी भी धुआं का एक बड़ा गुब्बार वहां पे मौजूद है, जिसे धीरे धीरे चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है। कितनी जनहानि हुई है, कितना नुकसान हुआ है, इसकी तो जांच बाद में निकल कर आएगी।